वैसे फाइनली लेकर आ चुका हूँ रियलमी C21 स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर वाला पार्ट टू वीडियो। इस पार्ट टू को भी देखना आप, इस पार्ट टू को भी देखकर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से फीचर्स मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में 30 से ज़्यादा फीचर्स बताएंगे। तो चलिए भी इस पार्ट टू को भी देख लेते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा इस बैटरी पर आपको क्लिक करना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद और आपको आना नीचे फोन बैटरी यूजेज आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन कितने परसेंट बैटरी खाया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें वो बैटरी बहुत खा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितने परसेंट बैटरी खाया है और कल कितने परसेंट मतलब कल का भी रिजल्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी स्मार्टफोन को ऑन किया तो कल का रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको कल का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितने परसेंट बैटरी कल भी खाया है, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए आपको क्या कर देना है, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर ड्रावर मोड फिलहाल है, स्टैंडर्ड मोड आप कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड मोड करेंगे ना तो सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। यहाँ है एप्लीकेशन और इसमें थोड़े एप्लीकेशन है और यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इस तरह स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आते हैं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इसको जो आपको अच्छा लगे, जैसा आप मोड आपको जो अच्छा लगता है, मुझे तो ड्रावर मोड अच्छा लगता है इसलिए मैं ड्रावर मोड में स्विच हो जाता हूँ। तो चलिए इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद में एप्लीकेशन आते हैं। जैसा आपको मोड अच्छा लगता है, जो मोड आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख लेना। 33 फीचर की बात करने के लिए फोन पर आपको क्लिक करना है। फोन पर क्लिक करके आपको आना है सेटिंग में, मतलब यहाँ पर फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फ्लैश ऑन कॉल लेना है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, मतलब ये ऑफ ही रहता है इसको ऑन कर लेना है। अगर मान लो कि आपको कॉल आता है तो फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाएगी, फ्लैश लाइट लगेगी। यहाँ पर बात करते हैं 34 फीचर की, तो उसके ठीक ही नीचे और यहाँ पर दिख रहा है ऑटो आंसर है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। डिले ऑटो आंसर है, यहाँ पर आप 10 सेकंड कर लेना। अब मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 35 फीचर की, वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, अब ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आप किसी को कॉल करते हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है, और आप कॉल पर बात कर रहे हैं जैसे आपको कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बात करते हैं 36 फीचर की, एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और ब्लॉकेड नंबर्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लॉकेड नंबर्स, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब मान लो कि आपको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, न्यू नंबर से आपको जो कॉल्स आ रहे हैं परेशान है आप न्यू नंबर्स देखकर, तो यहाँ पर अनकनॉन पर आपको क्लिक कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेट नहीं है तो उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। बात करते हैं 37 फीचर की, तो वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे और नीचे आना के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम है, यहाँ पर 24 आवर्स होता है आपका, यहाँ पर इसको ऑफ कर लेना है। आपको इंडियन टाइम में भी बता देगा, यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है, अभी इंडियन टाइम ऑटोमेटिक को बता देगा जो आपको समझ में आता है इंडियन टाइम 12 आवर्स का, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 38 फीचर की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर रोल है कब्स है वगैरह वगैरह आपको इतने इफेक्ट मिलते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है वो इफेक्ट यहाँ पर आप लगा लेना। ये रोल है, रोल इफेक्ट हमने लगा लिया तो इस तरह से करने के बाद में वो इफेक्ट आएगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 39 फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा सेकंड नंबर पर डिस्प्ले कीपैड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर, आप इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं इस तरह से ड्रॉ करके, यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बार आता है कोई भी एप्लीकेशन, मान लो कि आपको बहुत एप्लीकेशन आपके फोन में है, सर्च करने की जरूरत पड़ती है जल्दी नहीं मिलती है, तो इस तरह से इस सेटिंग को ऑन कर लेना, डायरेक्ट सर्च बार ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन ओपन करते ही, इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं। 40 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, आपको सेटिंग में आना है। आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्टर है, यहां पर आप इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बताया तो यहां पर इस तरह से मान लो कि ये खासी आप फोन यूज कर रहे हो, यहां पर क्लॉक यहां पर है, आप उंगली वहां तक जाएगी नहीं तो यहां पर आप नीचे से लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के ऊपर आप उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, इस तरह से आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 41 फीचर की, तो आपको क्या करना है लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और आपको
आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं लॉक होम स्क्रीन लाइट है, ये क्या है आपको बताते हैं। इसको आपने ऑन कर लेना है, ऑन करेंगे ना तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना उसी जगह लॉक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं अपनी अपनी जगह छोड़कर हिल रहे हैं, उसी जगह लॉक हो चुके हैं। उस लॉक कर सकते हैं यहाँ पर लॉक प्रेस करके होम स्क्रीन पर सेटिंग में आना है, लॉक होम स्क्रीन लाइट आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। मैं ऑफ कर लिया, अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन इधर चला जाएगा, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। 42 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, आपको सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऐप सजेशन है, यहाँ पर ऐप सजेशन मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर सजेशन एप्लीकेशन बंद कर यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो ऐप सजेशन को आप बंद करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से बंद कर लेना। ये रहे ऑल एप्लीकेशन, ये सजेशन एप्लीकेशन चले गए हैं, ये रहे ऑल एप्लीकेशन, आप इस तरह से वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं 43 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करना है और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एड ऐप टू होम स्क्रीन है, ये क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर मान लो कि कोई भी नया एप्लीकेशन डाउन करने के बाद यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। अगर नया एप्लीकेशन डाउन करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पे यहाँ पर आना है, ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करना है। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर लेता हूँ। 44 फीचर की बात करने के लिए इसकी ठीक नीचे और दिख रहा है होम स्क्रीन लाइट है, ये ना 4x6 कर सकते हैं या 5x6 कर सकते हैं। ये ना एप्लीकेशन आप 4x6 करेंगे तो बड़े बनकर बैठेंगे, 5x करेंगे तो इस तरह से छोटे बनकर बैठेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं 45 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और आना है सेटिंग में। आने के बाद और यहाँ पर आप देखते हैं आइकॉन ऑटो फिल है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो नोटिफिकेशन वाले आइकॉन ऑटो फिल हो जाएंगे। 46 फीचर की बात करने के लिए उसकी ठीक नीचे और दिख रहा है सर्च बार एट होम स्क्रीन बटन, मतलब स्क्रीन बटन है, सर्च बार एट स्क्रीन बटन है ना, ये क्या आपको बताता हूं। यहां पर स्क्रीन पर ये गूगल सर्च आ रहा है, अगर इसको आप ऑफ करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आना है। आने के बाद इस सेटिंग को ऑफ करना है, सर्च बार एट स्क्रीन बटन को ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो ये स्क्रीन बटन, ये गूगल सर्च था ना यहाँ पर स्क्रीन पर, वो चला जाएगा। इस तरह से इसको बंद भी निकाल भी सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर और आना है आपको सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं और ऐप एनिमेशन स्पीड है, यहाँ पर नॉर्मल है, स्लो है और फास्ट है। आप नॉर्मल करेंगे या स्लो करेंगे, यहाँ पर स्लो करके ये क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं तो देख सकते हैं कितना ओपन, स्लो से ओपन हो रहा है, कितना स्लो क्लोज हो रहा है, ये स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन पर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड को यहाँ से हम यहाँ पर इसको करेंगे अभी ऐप एनिमेशन इसको फास्ट करेंगे करेंगे भी। आप देख सकते हैं ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, कितनी स्पीड से क्लोज हो रहा है, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 48 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर और आपको आना है सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं स्विप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, ये फिलहाल सर्च है। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो नीचे से लेकर ऊपर से एकदम ऊपर से लेकर आना पड़ता है। इस तरह से नीचे करेंगे तो ये सर्च बार आ रहा है ना यहाँ पर, ये तो कोई काम वाला नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आकर हम यहाँ पर दूसरा फीचर लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विप डाउन ऑन होम स्क्रीन है, यहाँ पर आप क्लिक करके हम यहाँ करेंगे इसको नोटिफिकेशन ड्रॉ करेंगे। नोटिफिकेशन ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए बस इतना करेंगे तो आएगा नोटिफिकेशन पैनल। 49 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब डबल टैप टू लॉक है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो आपको लॉक करना है अपने स्मार्टफोन को, तो यहाँ पर लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपको डबल टैप करना है, लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। 50 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको आना है सेटिंग में। आने के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे आने के बाद में यहाँ पर डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट है, इसको ऑन कर लेना अगर आपका ये ऑफ है तो। ये ऑन करेंगे ना तो मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो एप्लीकेशन के ऊपर वो एक डॉट बता देगा, वो डॉट देकर आप पहचान सकते हैं इन एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 51 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट थीम्स है, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलेगा, यहाँ पर अलाउ कर देना है, यहाँ पर एग्री हो जाना है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये फिलहाल अप्लाई होता है तो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये कंपनी वाला था, मैं वापस से रीअप्लाई किया बोलकर वापस से वॉल पेपर वो चलेगा, मैं वॉल पेपर भी चेंज किया। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 52 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर इसी सेटिंग में आना है और आपको आना नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सेट आइकॉन स्टाइल्स है, यहाँ पर आइकॉन की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, ये रहा आइकॉन की स्टाइल और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से यहाँ पर आप आइकॉन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये रहा आइकॉन की स्टाइल, कम ज़्यादा कर लेना जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। वो इतना कर लिया आइकॉन की स्टाइल को, अभी उसी तरह ये आइकॉन की स्टाइल्स रहेंगे। आप देख सकते हैं ये रहे आइकॉन की स्टाइल, जैसा आपको अच्छे लगे उस तरह से आप यहां पर वो भी कर लेना। अब बात करते हैं 53 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना आपको,
और नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेहुआ लॉक स्क्रीन आना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके ये क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है ना हर बार ये फोटो चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ये फोटो चेंज हो रहा है लॉक स्क्रीन पर हर बार। तो यहाँ पर इसको हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बार बार फोटो चेंज नहीं होगा, एक ही फोटो रहेगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक ही फोटो यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। बात करते हैं 54 फीचर की, तो यहाँ पर हमको आना है सेटिंग में, यहाँ पर सेटिंग में आना है और नीचे आना आपको। तो चलिए इस तरह से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा माइक्रोफोन इस सेटिंग को ऑन कर लेना, फ्रंट कैमरा चाहिए तो फ्रंट कैमरा लगा लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसा आना चाहिए वो भी आप कर लेना। और उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ पर मतलब यहाँ पेंसिल पर आप क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फीचर को यहाँ पर लेकर आना है ऊपर, इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे आकर यहाँ पर आप देखते हैं अगर आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इस पर आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं एग्री पर क्लिक करके। यहाँ पर 55 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे और इसी एडिशनल सेटिंग में आपको आना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा OTG कनेक्शन है, इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये क्या है आपको बताता हूँ, अब मान लो कि आप OTG कनेक्ट करते हैं तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन करेंगे ना तभी OTG कनेक्ट हो जाएगी, और OTG आप रिमूव करेंगे तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। हम जब भी OTG कनेक्ट करेंगे तो इस सेटिंग में आकर आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। बात करते हैं 56 फीचर की, तो आपको आना है यहाँ पर और सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आकर और फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आपको आना है, अगर आपको अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रिसेट करना पूरा पूरा आप नया स्मार्टफोन जैसे आपने लिया था उसी तरह पूरा सेटिंग होने जाना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, तो बैकअप एंड रिसेट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रिसेट पर आप क्लिक करके, इरेज ऑल डेटा पर आप क्लिक करके यहाँ से आप इरेज डेटा आप क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन फैक्ट्री पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 57 फीचर की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर वापस से जाएंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक फीचर मिलता है आप देख सकते हैं ऑन टैप, आपको इसको लेकर आना है नीचे। यहाँ पर आप इसको जो कोई भी एप्लीकेशन जो आपके यहाँ से नहीं यूज होता है इसको रिमूव कर देना है, यहाँ पर लेकर आना है इस एप्लीकेशन को। अगर आपको फोन लॉक करना है तो इस पर क्लिक कर देना है, फोन लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस मतलब लॉन्ग प्रेस नहीं आना है यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हम देखें कन्वर्सन टूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। कन्वर्सन टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन है, यहाँ पर बैक बटन होम बटन मेनू बटन पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये मतलब ये हाइड कर सकते हैं, ये रहा स्वाइप जेस्टर फ्रॉम व्हाट्सएप, आप इस पर क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन होम बटन मेनू बटन हाइड हो चुके हैं, यहाँ पर यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं बैक, और यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टास्क रिमूव करना तो नीचे से बस होल्ड करके इतना कर देना, यहाँ से रिसेंट टास्क भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है यहाँ पर उसी सेटिंग में हम आएंगे। तो चलिए कन्वर्सन टू सेटिंग में आना है, आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं एसेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 60 फीचर की, तो और नीचे आना एकदम नीचे एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉन्टेस्ट टेस्ट है, अपने टेस्ट को अपने फंड्स को आप इस तरह से हाई कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप वो भी कर लेना। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 61 फीचर की, तो यहाँ पर आपको आना है उसी और सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और फीचर के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देखते हैं ऐप लिस्ट पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। कौन से एप्लीकेशन से मैसेज आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए वही एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल लेता हूँ क्रोम को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन है, यहाँ पर अलो नोटिफिकेशन आना इसको ऑफ कर लेना। इसको ऑफ करेंगे तो हमको क्रोम से कोई भी मैसेज आ गया तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर इस तरह से बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर बंद कर सकते हैं। 62 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में, तो चलिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप क्लोनर है, अगर आप डबल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ फेसबुक को डबल, तो चलिए यहाँ पर फेसबुक डबल हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल फेसबुक हो चुके हैं, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। वैसे आपने देख लिया रियलमी C21 स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला पार्ट टू वीडियो, तो आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट वन। पार्ट वन की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर जाकर देख लेना। ये पार्ट टू आपने देखा है, अगर पार्ट वन नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, आपको यहाँ पर भी दिख रहा है पार्ट वन, आप जरूर यहाँ पर क्लिक करके देख लेना।